दोस्तों दोस्तों सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। गुड मॉर्निंग, अभी हुआ है 9:50। अभी मैं जस्ट उठा और यहाँ से बाहर का नज़ारा एक बार देखिए। सिख तो मैं ब्रश पकड़ के बैठा हुआ, ब्रश करने वाला, वहाँ से बाहर का नज़ारा एक बार एंजॉय कीजिएगा। बाहर से दिखेगा कुछ नहीं, पर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब सब बिल्डिंग बन जाएगा यहाँ से मेन रोड दिखेगा। वो आती अब मैं जाऊँगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा और उसके बाद देखते हैं मैं कहाँ निकलूँगा। अभी सिस्टर लोगों का तो शूट हो रहा है, वहाँ थोड़ा आसपास पास घूमने जाने वाला हूँ। एक बार रूम का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। तो चलिए पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जा सकते हैं हम लोग। वीडियोस में बने रहे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देते हैं, रोटी लेने गए ना। चलो, तो अभी मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया, उसके बाद खाना आने वाला है। ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा, मुझे अभी ब्रेकफास्ट में थोड़ा लाइट ही करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर निकलेंगे ना, थोड़ा लाइट खाने से थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो ब्रेकफास्ट आने वाला है, उसके बाद जल्दी जल्दी हम फ्रेश हो जाते पहले। तो देखो मैं फ्रेश ही हो रहा था, इतना फर्स्ट वॉक है हम लोगों को, मैंने बस ऑर्डर दिया था, 5 मिनट भी नहीं लगा पहुँच दिया। अभी तो ठंडा ही हो रहा है, मेरा ऑर्डर आ चुका है। सब्ज़ी क्या है देखते, सब्ज़ी क्या है रे भाई। हाँ चलो चल जाएगा, ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं चाहिए ना। चलो तुम थोड़ा टाइम इंतज़ार करो, हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद खाएंगे आपको। तो फाइनली मैं नहा भी लिया, मेरा खाना मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया। तो चलो शुरू करते हैं। वो ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारा, मैंने रोटी ही मंगाया सुबह को, ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है मुझे, तो रोटी खा के बस निकलेंगे। और क्या रोटी अच्छा है, पतला बना है बट मज़ा है। ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट और मैं रेडी भी हो चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने, मेरा आज का लुक ऐसा कुछ होने वाला है। तो चलिए अभी निकलते हैं, थोड़ा गुवाहाटी घुमाएंगे आप लोगों को। और इधर से फ़ोन आ रहा है शूटिंग में आने के लिए, तो शूटिंग का भी कुछ नज़ारा हो सके तो आप लोगों को दिखाएंगे, हो सके तो नहीं दिखाएंगे जरूर, आप लोग वीडियोज़ में बने रहे। चाबी ले लेते हैं, मेरा भाग ले, तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। और ये मैं फाइनल लुक, और ये हमारा भाई, बार हाई बोल रहा भाई। अरे तुम ऊपर जा रहे हो, हमको नीचे जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम फिर ग्राउंड फ्लोर में आ जाएंगे। वैसे यहाँ का मतलब सब कुछ सही है, हाँ खाना मंगवाओ 2 मिनट में पहुँच जाता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस होटल में रह के। हाँ हाँ पता है, तो अभी ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कहाँ निकलते हैं। अभी मेरा प्लानिंग है कोला क्षेत्रों जाने का, जो गुवाहाटी का बहुत ही अच्छा जगह है कोला क्षेत्र, तो वहाँ जा दिखाते हैं आप लोगों को। अभी फिलहाल मैं हूँ 6 माइल पे। प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोज देख रहे हो तो लाइक और एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। लोगो पहले दे रहता हूँ, हाँ चाबी मैंने ले लिया, उसके बाद चलो। ये हम लोग का होटल का लुक्स, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ रह के, किसी चीज़ का कमी नहीं मिला यहाँ पे, किसी चीज़ का कमी होने ही नहीं दिया। तो अभी मैं हूँ 6 माइल में, 6 माइल से मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सा जगह में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ से आसाम का संस्कृति और रीति रिवाज का बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे रखा गया है, मतलब म्यूजियम टाइप का है। हम कोला क्षेत्र जा रहे हैं, अभी 6 माइल से हम एक तो वो बेतरी वाला टमटम पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। कोला क्षेत्र फाइनली मैं गाड़ी में उठ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं वहाँ, जाके वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, और वीडियोस को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ आप लोग प्यार बनाए रखो प्लीज़।
आई तो नहीं क्या 10 या 20 फाइनली 6 माइल से 10 रुपया का ही गाड़ी में मतलब सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं कोलाक्षेत्र। आप मेरे पीछे देख सकते हो और इसके अंदर हम लोगों का आसाम का जितना भी संस्कृति सब कुछ इसके अंदर ही समेटा गया है। तो अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कहाँ मिलेगा यहाँ पे टिकट? नहीं चाहिए क्या? और टिकट काउंटर कहाँ है? तो जा सकते है? एक बहुत ही गलत सीन हो गया हम लोगों के साथ। क्या हुआ पता है? मैं आप लोगों को बाहर से ही कोलाक्षेत्र देखना पड़ेगा, अंदर से मैं बिल्कुल भी दिखा नहीं सकता क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है तो अंदर जा नहीं सकते। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला हूँ शूटिंग का जगह में। यहाँ का बाहर से आप लोग नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद शूटिंग का एंजॉय कीजिएगा आप लोग। मतलब बोर नहीं होने वाला, वीडियोस ऐसे भी वेस्ट नहीं होने वाला, आप लोग वीडियोस भी बने रहोगे। यहाँ का नज़ारा देखिए। तो ये है श्रीमंत शंकरदेव कोलाक्षेत्र और यहाँ पे जो मूर्ति बनाया गया है किसका मूर्ति है वो मुझे नहीं पता, पर बहुत सुंदर जगह है। अंदर में बहुत सारा चीजें है जो आसाम का संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर लॉकडाउन के बाद कभी आप लोग गुवाहाटी आने वाले हो तो इस यहाँ पे जरूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत चीजें सीखने को मिलेगा। तो कोलाक्षेत्र दिखा नहीं पाए तो क्या हुआ, अभी आप लोगों को शूटिंग व्लॉग्स दिखाएंगे जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत बड़ा बड़ा शख्सियत हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी सबसे मिलाएंगे आपको। पानी खाइटी की तरफ बिला 6 माइल में उतरेंगे। फाइनली मैं लोकेशन में पहुंच गया और अभी आप लोगों को कुछ शूटिंग का नज़ारा दिखाएंगे और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज सिर्फ गलत सीन हुआ जा रहा है, आते ही यहाँ पे बारिश होने लगा। फिर हम लोग थोड़ा टाइम बारिश रुकने तक के लिए हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, कब बारिश रुकेगा। और बारिश रुकने के बाद फिर हम लोग अपना शूट को शुरू कर देंगे। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। एक्टर का तो आप लोग पहचानते ही हो, प्रिंस रोंगांग, और एक्ट्रेस मेरा सिस्टर। और यहाँ पे खास इंसान और एक जुड़ा हुआ है जो कैमरा में दिख रहा है, वो है भास्कर जूती डोले, जिसका प्रोडक्शन हाउस है और जिन्होंने हमारा एल्बम पे बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्प किया, तो उनको दिल से शुक्रिया। और बहुत कुछ आप लोग देखने वाले हो, बस वीडियोज़ में आप लोग बने रहो, शूट का कुछ नज़ारा देख रहे हो। और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लोकेशन है पानी खाइटी। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियोस को देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है फिर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और मैं दिन ब दिन इम्प्रूव करता ही रहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग एल्बम का इंतज़ार कर रहे हो ना तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग पर आप लोगों को पता चल जाएगा एल्बम कब रिलीज़ होने वाला है और कहाँ पर रिलीज़ होने वाला है और सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट वाला ब्लॉग पर पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन दबाइए। और वीडियोस देखे हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जिसको देख के अच्छा लगे आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा मैं। तो सब लोग सही रहो, सलामत रहो, बाय बाय टाटा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।